तबलीगी में जमात से आए 9 थाईलैंड जमातियों की जांच में एक जमाती की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शाहपुरा में शाहजहांपुर में चार, बता दें कि जो जमाती इकट्ठा थे उनमें 9 को पुलिस और मेडिकल की टीम शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके बाद जमातियों की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। मरकज जो दिल्ली में जमात की बैठक हुई थी उसमें कुछ हमारे यहाँ के लोग भी गए थे और कुछ थाईलैंड के निवासी थे वो भी वहाँ गए थे, जो वहाँ से होते हुए शाहजहांपुर में आकर यहाँ पर एक मस्जिद है वहाँ पर उन्होंने रुके थे। तो ऐसे 16 लोगों का सैंपल यहाँ लिया गया था, जिनमें से 9 थाईलैंड के निवासी थे, 2 तमिलनाडु के थे और 5 शाहजहांपुर के थे। जो शाहजहांपुर के 5 लोग थे और जो तमिलनाडु के 2 लोग थे, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है, निगेटिव आया है, लेकिन थाईलैंड एलके मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा, एलके मिश्रा, आप जितने भी लोग ये जमाती में शामिल थे जो वापस लौटे थे, थाईलैंड से एक जमाती है जो पॉजिटिव निकला है, अभी क्या कुछ स्थिति है? जी प्रीति जी, आपको बताते चले कि दिल्ली में तब्दीली जमात के अभी 2 दिन पहले 5 लोग पकड़े गए थे कि इनका ये वहां से लौटे मस्जिद में इनको किया गया था। उसके बाद में परसों ही रात में 9 लोग पकड़े गए थे। तो इसमें लोगों को वहां भेजा गया था, जिसमें थाईलैंड निवासी, इसका नाम है मार्था। तो ये जब इसकी रिपोर्ट आई वहां से तो ये पॉजिटिव निकला गया। अभी हम डीएम साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक पॉजिटिव व्यक्ति निकला है थाईलैंड निवासी, जिसमें तमिलनाडु के थे और बाकी थे, तो उनको वो निगेटिव आया है। ये 9 जो लोग थे इनमें से एक जो है पॉजिटिव पाया गया है, जिसको यहाँ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और इसको सुनते ही डीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें एसपी सीएमओ वगैरह सब जो उच्च नागरिक है वो मॉनिटरिंग बराबर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो है थोड़ा और सतर्कता जो है इसमें बरती जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि शाहजहांपुर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जमाती जो लोग लौटे थे उनमें थाईलैंड का एक जमाती जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, स्क्रीनिंग की गई और अभी फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा गया है। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।